दोस्तों, दुनिया का कोई भी त्योहार हो, लोग उसे बेहद खुशी और धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मनाए जाने वाले कुछ ऐसे भी त्योहार हैं जो कि बेहद अजीबोगरीब हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही त्योहार के बारे में बताएंगे जो कि बेहद अजीबोगरीब हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज एजेंडा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट कनाडा। सर्दियों में तो सबको पता होगा कि बाहर कितनी ठंड होती है और घर से बाहर कदम रखने का भी मन नहीं करता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में फरवरी के महीने में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को अपने बालों को ठंड में जमाना होता है और साथ ही उसे एक आकार भी देना होता है। यह त्योहार व्हाइट हॉर्स शहर में मनाया जाता है जहां लोग -20 डिग्री के तापमान में तखीनी हॉट पूल में डुबकी लगाते हैं। हालांकि इसका पानी गर्म होता है, पर जब लोग इसमें डुबकी लगाकर सर को बाहर निकालते हैं तो बाहर के ठंडे तापमान की वजह से उनके बाल जम जाते हैं और बर्फ से अलग अलग आकृति बन जाती है। साथ ही आपको बता दे कि इस त्योहार का विजेता मार्च महीने में घोषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सच में ये अलग ही टाइप का त्योहार है। आप इस त्योहार में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर टू, वाटर गन फेस्टिवल साउथ कोरिया। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे कि कोई भी व्यक्ति खेलना पसंद करेगा, खासकर गर्मियों के मौसम में। यह त्योहार साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के सिंचोन जिले में हर साल गर्मियों में मनाया जाता है। इसमें सभी लोग अलग अलग प्रकार की वाटर गन से एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं जिससे कि गर्मी से भी छुटकारा मिल जाता है और मनोरंजन तो होता ही है। यह सियोल का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें कि बहुत से लोग भाग लेते हैं और सारी दुकानें वाटर गन से सजी हुई होती हैं। अगर आप भी कभी साउथ कोरिया जाएं तो सामने किसी भी दुकान से वाटर गन खरीदकर इस त्योहार का मजा उठा सकते हैं। नंबर थ्री, मंकी बुफेट फेस्टिवल थाईलैंड। यह त्योहार हर साल नवंबर महीने के अंतिम रविवार को थाईलैंड के सबसे पुराने गांव में से एक लुपबुरी में मनाया जाता है। इस त्योहार में स्थानीय लोग शहर के बंदरों के लिए दावत का इंतजाम करते हैं तथा बंदरों के लिए केक, फल, सब्जी और अन्य खाने की चीजों को सड़क पर रख देते हैं। साथ ही अपने घरों को फलों की मूर्तियों से सजाते हैं। यह त्योहार जानवरों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही स्थानीय लोगों का मानना है कि बंदरों को भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह त्योहार लुपबुरी गांव में पुराने खंडहर में मनाया जाता है क्योंकि शहर के सभी बंदर यहीं पर रहते हैं। नंबर फोर, हारो वाइन फेस्टिवल स्पेन। यह त्योहार जिसे कि वाइन फाइट भी कहा जाता है, हर साल 28 से 30 जून तक स्पेन के हारो शहर में मनाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस त्योहार में सभी लोग एक दूसरे पर वाइन फेंकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और अपने साथ जग, ग्लास, बोतल या बाल्टी बर्तन भी रखते हैं जिसमें शराब भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। यह फेस्टिवल सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है और इसमें भाग लेने के लिए ज्यादातर लोग सफेद कपड़े पहन कर आते हैं और दिन तक उस कपड़े का रंग गुलाबी हो जाता है। साथ ही आपको बता दे कि जब लोगों की वाइन फाइट खत्म हो जाती है तो उसके बाद उनके लिए मनोरंजन का भी कार्यक्रम किया जाता है। नंबर फाइव, वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप फिनलैंड। फिनलैंड में मनाया जाने वाला वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप बहुत ही मजेदार त्योहार व खेल है जो कि हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इस खेल को खेलने का तरीका यह है कि आपको अपनी वाइफ को पीठ पर उठाना होगा और दौड़ लगानी होगी, लेकिन यह दौड़ इतनी आसान नहीं होती। रास्ते पर कुछ रुकावट व पानी को भी पार करना होता है। इस खेल के नियम में यह जरूरी नहीं है कि बीबी आपकी अपनी ही होनी चाहिए, वह कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपकी पड़ोसी या मैदान पर मिली कोई लड़की। लेकिन खेल का नियम यह है कि मजा सभी भाग लेने वालों को आना चाहिए। इस खेल की सबसे खास बात यह है कि इस खेल में जीतने पर दिया जाने वाला पुरस्कार, इस खेल के विजेता को अपनी बीवी के भार जितना बियर इनाम दिया जाता है। मतलब कि आपकी बीवी जितना मोटी होगी उतना ही ज्यादा आपको बियर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के कुछ अजीबो गरीब और मजेदार त्योहार। आई होप कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।